इस वक्त सबकी नजर इसराइल की आर्मी से ज्यादा उसकी एयरफोर्स पर टिकी है। इसराइल ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे फाइटर जेट अपनी वायुसेना में शामिल किए हैं जिसकी टक्कर का कोई जहाज पूरे पश्चिम एशिया में नहीं है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से इसराइल ने अब ऑपरेशन फोकस टू की तैयारी कर ली है। घंटे अठारह घंटे चौबीस घंटे छत्तीस घंटे अड़तालीस घंटे इसराइल ने गाजा को कितने घंटे में फतह करने का प्लान तैयार किया है। इसराइल के मुताबिक अगले 48 घंटे हमास पर बहुत भारी है क्योंकि हमास का सर्वनाश करने के लिए इसराइल ने अपने शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को जंग में उतार दिया है। गाजा की तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि इसराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा का सर्वनाश शुरू कर दिया है। हमास का सर्वनाश वीडियो नंबर एक। हमास का सर्वनाश वीडियो नंबर दो। हमास का सर्वनाश वीडियो नंबर तीन। हमास का सर्वनाश वीडियो नंबर चार। हमास का सर्वनाश वीडियो नंबर पांच। ये पांच वीडियो तो बस बानगी है। इसराइल के लड़ाकू विमान लगातार गाजा पर कहर बरपा रहे हैं। हमास से इंतकाम के लिए इसराइल ने अपने ताकतवर लड़ाकू विमानों को जंग में उतार दिया है। हमास के लड़ाकों को ढेर करने के लिए इसराइल के फाइटर जेट पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। इसराइल के एयर स्ट्राइक से गाजा का बुरा हाल है। इसराइल के लड़ाकू विमान अपनी पूरी ताकत से हमास पर बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। हमलों से कई मंजिलों की इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हैं। ऊंची ऊंची इमारतों के मलबे में बदलने में देर नहीं लग रहा। इसराइल एयरफोर्स के मुताबिक पिछले 20 घंटों में 2400 से अधिक हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। इस एयर स्ट्राइक में इसराइल की तरफ से 2000 टन बम गिराए गए हैं। वैसे तो इसराइल के एयरफोर्स के पास जंगी हवाई जहाजों का बहुत बड़ा बेड़ा है, लेकिन उसका सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान F-16IS है, जो F-16 का इजरायली मॉडल है। इसराइल की वायुसेना 2000 से ही इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है। इन 23 वर्षों में इसराइल के पायलट को F-16 से दुश्मन देश को मलबे में बदलने की महारत हासिल कर ली है। F-16 की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में होती है। दावा किया जाता है कि अमेरिका में बना F-16 लड़ाकू विमान अगर अपने पर आ जाए तो किसी भी लड़ाई का रुख मोड़ सकता है। F-16 के इजरायली मॉडल में इजरायल के दुश्मनों को ध्यान रखकर कुछ खास बदलाव किए गए हैं, वो हम आपको बताते हैं। इसकी रफ्तार है 2414 किलोमीटर प्रति घंटा, आप अंदाजा लगाइए कितनी तेज है। और इसके साथ ही इसकी रेंज है 4220
किलोमीटर, यानी एक उड़ान से ये इतनी दूर जाकर हमला कर सकता है, यानी 4220 किलोमीटर रेंज में ये दुश्मन का सफाया कर सकता है। F-16 एडवांस हथियारों से लैस लड़ाकू विमान है। इजराइल की एयरफोर्स ने इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगाई हैं, साथ ही साथ इसमें हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों से लैस भी इसे रखा है। ये खूबियां इसकी आपके सामने हैं। F-16 सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान माना जाता है, यानी ये किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होता है। इजराइल का ये लड़ाकू विमान 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर जाने के लिए सक्षम है। F-16 सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, यानी ये किसी भी तरह के ऑपरेशन में काम कर सकता है। दिन हो या फिर रात, गर्मी हो या फिर बरसात, अमेरिका से इजराइल को मिला ये खास लड़ाकू विमान किसी भी मौसम में बम और मिसाइलों से हमला कर सकता है। इजराइल 600 से अधिक लड़ाकू विमानों से हमले कर रहा है, साथ ही साथ 300 रॉकेट लॉन्चरों से गाजा पर बारूद की बरसात हो रही है। जंग के लिहाज से F-16 फाइटर जेट को एक विश्वसनीय और ताकतवर विमान माना जाता है। यही वजह है कि गाजा के खिलाफ हवाई हमले में इजराइल की एयरफोर्स का पलड़ा बहुत भारी है। F-16 फाइटर जेट की लंबाई 49 फीट 5 इंच और चौड़ाई 32 फीट 8 इंच है। ये एडवांस रेडार सिस्टम से लैस है। इस लड़ाकू विमान का वजन 9.2 टन है और ये एक बार में 21.7 टन वजन लेकर उड़ सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इजराइल के लड़ाकू विमानों ने रणभूमि में अपनी ताकत दिखाई है। इससे भी पहले दुनिया इजराइल के लड़ाकू विमानों का लोहा मान चुकी है। 1956 से लेकर अभी तक कैसे इजराइल के लड़ाकू विमानों ने अपना युद्ध कौशल दिखाया है, इसे आगे बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। लेकिन उससे पहले अभी इजराइल के एयरफोर्स के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, इसे समझना जरूरी है। फिलिस्तीन के साथ जंग में इजराइल के लड़ाकू विमानों का सामना ईरान के फाइटर जेट से हो सकता है। इजराइल के लड़ाकू विमानों को जवाब देने के लिए सीरिया के जंगी जहाज भी सामने आ सकते हैं। साथ ही अगर युद्ध आगे बढ़ गया तो मिस्र के लड़ाकू विमान भी इजराइल से लोहा लेने आसमान में मोर्चा संभाल सकते हैं। कहते हैं लड़ाकू विमान किसी भी युद्ध का रुख बदल देते हैं। अगर फाइटर जेट बारूद बरसाना शुरू कर दे तो दुश्मन देश के लिए सबसे बड़े सिरदर्द साबित होते हैं। युद्ध की भाषा में कहा भी जाता है कि चाहे जंग का तरीका कितना भी क्यों ना बदल जाए, युद्ध में बढ़त लेने के लिए लड़ाकू विमान सबसे कारगर साबित होते हैं। इजराइल के पास कुल 601 लड़ाकू विमान है, जिसमें सबसे अधिक 175 F-16 फाइटिंग फाल्कन लड़ाकू विमान है। इसके अलावा 84 F-15 ईगल विमान है, 25 F-15 स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान है। इसके साथ ही इजराइल के एयरफोर्स के पास F-35 लाइटनिंग लड़ाकू विमानों की तादाद 39 है। इसके अलावा 75 नए F-35 लाइटनिंग विमानों का इजराइल ने ऑर्डर दे रखा है। F-16 फाल्कन को दुनिया के भरोसेमंद फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है। यही वजह है कि इजराइल के हौसले बुलंद हैं। इजराइल की वायुसेना इन विमानों से गाजा में लगातार बम बरसा रही है, मिसाइलों से हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। गाजा की धरती पर आई ये बारूदी तबाही इसकी गवाही भी दे रही है। इससे पहले भी इजराइल की वायुसेना जंग में अपनी ताकत का मुजाहिरा कर चुकी है। आज जो इजराइल की सीमाएं हैं, वो साल 1967 में हुए उस खास युद्ध के बाद आकार ली, जिसमें इजराइल अकेला 6 दिनों तक 3 मुस्लिम देशों से लड़ता रहा। तब इजराइल ने एक साथ सीरिया, मिस्र और जॉर्डन को हराकर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। 1967 में हुई उस जंग में इजराइल ने सबसे पहले अपने लड़ाकू विमानों से मिस्र पर एयर स्ट्राइक किया था, जिसके बाद 6 दिन तक भीषण संग्राम हुआ और मिडल ईस्ट का नक्शा बदल गया। इस बार भी इजराइल की एयरफोर्स ने गाजा के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, जिसका साइड इफेक्ट गाजा की धरती पर साफ साफ दिख रहा है।